हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे। पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये देख लिया था, और गो टू स्टेटमेंट को भी हमने विद एग्जांपल कवर कर लिया था। आई होप आपके गो टू स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला जो ब्रेक होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। पहली बात तो ये कि ये दोनों लूप पर वर्क करते हैं। किस पर वर्क करेंगे? लूप पर वर्क करेंगे। लूप के वीडियो लेक्चर आपने देख लिए होंगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाने वाले हैं। ध्यान से आपको वीडियो लेक्चर को देखना है और आपके समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले ब्रेक क्या होता है? जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, पहली बात तो ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। ब्रेक के द्वारा जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका यूज लूप के सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लूप के सीक्वेंस को ब्रेक, ब्रेक दी लूप सीक्वेंस। बस सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, लूप के सीक्वेंस को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस लिए करते हैं? इस स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको वापस लूप के पास ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए है? अब एक तो लूप का कंट्रोल होता है, एक प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, तो कंटिन्यू का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको वापस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लूप में ट्रांसफर करेंगे। अर्थात इसके द्वारा किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्किप किया जाता है, जो बीच का पार्ट है। ये देखिए, ये जो बीच का पार्ट है इसको क्या कर दिया जाएगा? स्किप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्किप कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोग्राम के कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वापस लूप को ट्रांसफर करेंगे। इससे क्या होगा? कुछ पार्ट प्रोग्राम का क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है दोनों की। लूप ब्रेक क्या होता है? लूप के सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए। और कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू होता है प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस कहाँ ट्रांसफर करने के लिए, किसके पास में ट्रांसफर करने के लिए? लूप के पास में ट्रांसफर करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों ही वर्क करते हैं। अब इन दोनों का हम एक एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो अगर मैं इनको शॉर्ट में, इनकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूं शॉर्ट में, तो देखिए, जंप आउट ऑफ द लूप, ये इससे ज्यादा शॉर्ट है। जंप आउट ऑफ द लूप, देखिए, जंप आउट ऑफ द लूप, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी बताना चाहूं तो स्किपिंग ए पार्ट ऑफ लूप, किसी लूप के किसी पार्ट को क्या करना? स्किप कर देना। किससे? कंटिन्यू से। और लूप से बाहर निकलने के लिए किसका यूज करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। तो चलिए एक एक एग्जांपल से इनको समझ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये वाला गो टू वाला मैं पार्ट हटा देता हूं क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। गो टू वाला यहां तक हटा देता हूं, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं आपको बता रहा हूं ब्रेक का, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूं इंट में आई, और एक लूप लगाता हूं फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा? सिंपल सा आपको लूप मैंने बताया हुआ है, आपके समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा? आई की वैल्यू वन है, आई कब तक चलेगा? जब तक कि वो छोटा है और बराबर नहीं हो जाता किसके? दस के, मतलब वन टू टेन चलने वाला है। लेकिन हम यहां हम कुछ कंडीशन लगाएंगे ब्रेक के लिए। तो मैंने कहा इफ आई इक्वल टू थ्री, अगर आई की वैल्यू क्या हो जाए? थ्री हो जाए, तो वहां क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए। और लास्ट में अपन आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं लूप के थ्रू। तो आई और अलग अलग वैल्यू प्रिंट करानी है तो बैक स्लैश एन से अपन ऐसा कर सकते हैं, और लास्ट में अपन कर देते हैं रिटर्न जीरो। तो देखिए क्या होगा, मैं इसका आउटपुट पहले आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में अपन मेन आउटपुट जो है वो बाद में
देखेंगे। देखिए, एक वेरिएबल लिया मैंने आई, इसकी वैल्यू शुरुआत में कितनी है, वन है, फिर ये वहां यहां जाएगा, यहां जाएगा, वन चेक करेगा, द टेन से छोटा है, बिल्कुल है, फिर अंदर प्रवेश करेगा, कंट्रोल अंदर आएगा, यहां चेक करेगा कि क्या वन इक्वल है थ्री के, नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेगा और इस कंडीशन के बाहर आकर के आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है अभी, वन है। फिर बैक स्लैश एन लग गया तो नए कंट्रोल नई लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा, चलिए वापस चलेगा, आई की वैल्यू वन थी, अब कितनी हो गई है, टू हो गई है। फिर यहां अपन रखेंगे टू क्या लेस है टेन से, बिल्कुल है, तो यहां आएगा क्या टू बराबर है थ्री के, नहीं है, तो इस पार्ट में आएगा और वैल्यू क्या प्रिंट करा देगा टू, और कर्सर को भेज देगा नेक्स्ट लाइन पर। फिर यहां आएगा एक बढ़ जाएगा, टू का मतलब अब कितना हो गया थ्री, फिर यहां रखा जाएगा क्या थ्री लेस है टेन से, बिल्कुल है, तो यहां अपन रखेंगे थ्री इक्वल है क्या थ्री के, बिल्कुल है, तो क्या कर जाओ लूप से बाहर निकल जाओ, ब्रेक का मतलब होता है प्रोग्राम का एंड, तो मैंने आपको यही लिखाया होगा इसमें, देखिए जंप आउट ऑफ दी लूप, लूप से बाहर जंप करना, प्रोग्राम ही क्लोज कर दिया, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट अपना क्या आना चाहिए, वन और टू आना चाहिए। चलिए अब इसका आउटपुट अपने देख लेते हैं, क्या आउटपुट हमारे सामने आता है। देखिए आउटपुट भी क्या आया है, वन और टू ही आया है। इसी प्रोग्राम में मैं आपको कंटिन्यू बता देता हूं, सेम टू सेम प्रोग्राम है, मैंने क्या कहा आई इक्वल टू थ्री और मैंने यहां पे कंटिन्यू लगा दिया, क्या लगा दिया कंटिन्यू। अब इसको समझाता हूं फिर आप देखना क्या आउटपुट आता है, ये वही बात है आई इक्वल टू वन है, सही है, नीचे आई वन इक्वल है क्या थ्री के, कंटिन्यू में नहीं जाएगा तो वन प्रिंट हो गया, यहां कितनी वैल्यू होगी आई की टू होगी, फिर यहां टू चेक होगा, ये भी सही है, क्या टू इक्वल है थ्री के, नहीं है, कंटिन्यू में नहीं जाएगा, यहां से टू को प्रिंट कर देगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, यहां वैल्यू कितनी होगी भाई थ्री होगी, यहां से थ्री चेक किया जाएगा, थ्री लेस है टेन से, बिल्कुल है। अब यहां देखिए थ्री क्या इक्वल है थ्री के, बिल्कुल है, तो कंटिन्यू कीजिए, मतलब इसके आगे वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, कंटिन्यू का मतलब है लूप के अंदर ही, अभी अपन लूप के अंदर है तो यहां जाएगा, अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो तीन नंबर वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुआ, यहां पर तीन नंबर वाला क्या नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, फोर आ गया, फोर चेक होगा, फोर ट्रू है, अब फोर बराबर नहीं है तो यहाँ फोर प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही फाइव प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही सिक्स प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही सेवन होगा, फिर एट होगा, फिर नाइन होगा, फिर टेन होगा, फिर लूप अपने आप जब कंडीशन 11 हो जाएगी ना, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तब बाहर आएगा लूप से कंट्रोल, तो ये आउटपुट आएगा वन टू, फिर थ्री नहीं आएगा, फिर सीधा क्या आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलिए रन करके अपन इसको चेक कर लेते हैं, तो देख लीजिए आउटपुट क्या आ रहा है, वन टू, देखिए थ्री नहीं है, थ्री नहीं है यहां पे, सीधा क्या है फोर है, क्योंकि हमने क्या लगा दिया था कंटिन्यू। कंटिन्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी, स्किपिंग पार्ट ऑफ ए लूप, हमने इस पार्ट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू। इस प्रकार से ये वर्क करता है, हम चाहें तो दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू को एक साथ भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, सेम इसी में मैं कर देता हूं, इसमें कंटिन्यू कर दिया और एक कंडीशन मैं और लगा देता हूं, इफ ए इक्वल टू फाइव, अगर ए इक्वल हो जाए किसके फाइव के, तो क्या होगा भाई, तो अपन कर जाए ब्रेक और फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए। देखिए मैंने क्या चेंज किया, आप आराम से इस प्रोग्राम को देखिए और आउटपुट बताने का प्रयास करें। देखिए बताता हूं क्या आउटपुट आएगा, आई की वैल्यू वन है तो ये तो ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू है, यहां आएगा वन प्रिंट हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं चला, ये भी नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं चला, उसके बाद में यहां जाएगा टू, यहां से चेक होगा, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये प्रिंट हो जाएगा सीधा टू, वन टू प्रिंट हो गया। उसके बाद में देखिए थ्री है, यहां वैल्यू कितनी होगी थ्री ट्रू है, यहां भी क्या है ट्रू है, तो कंटिन्यू कर जाएगा, थ्री वाला क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा और कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, फोर तो ट्रू है, फोर ट्रू है, यहां से फॉल्स हो गया, यहां से फॉल्स हो गया, तो फोर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हो गया फाइव, फाइव पे फिर कंडीशन ट्रू है, फाइव यहां फॉल्स है लेकिन यहां फॉल्स नहीं है, फाइव इक्वल टू फाइव ट्रू, तो ब्रेक कर जाओ,
तो इतना ही आउटपुट आएगा, लूप से ही बाहर निकाल दिया तो इतना ही आउटपुट आएगा 1 2 4। क्या आउटपुट आने वाला है? 1 2 4। चलिए देख लेते हैं वास्तविक रूप से क्या आउटपुट आता है। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है भाई, 4 चालू कर दिया अपन ने, फिर इफ चालू कर दिया, इफ में ये लगा दिया ए गलत कर दिया, सॉरी आई आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल अपन ने क्या लिया है, आई लिया है, और यहाँ पे अपन ए लिख रहे हैं, ये गलत बात है। गलत बात अपने को नहीं करनी है, बिल्कुल सही सही बात करनी है, सही सही आउटपुट आने वाला है। तो इस प्रकार से आप कंबाइन प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं। आप इनको खुद चलाइए, ड्राई रन कीजिए प्रोग्राम को, हमेशा ड्राई रन करके चेक करिए, मतलब कॉपी और पेन से, तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा जो कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट होते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट अपन ने पढ़ लिया, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ लिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ लिया। आई होप तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।